हेलो दोस्त, आरआरसी कोलकाता ईआर सबसे स्लो में से एक, लेकिन आरआरसी हुबली से आगे। सेकंड डीबी के बाद थर्ड डीबी आएगा कि नहीं आएगा, सेकंड डीबी का परिणाम आ चुका है कैंडिडेट कैंसिलेशन के रूप में करीब करीब 10%, जबकि पोस्ट अलॉटमेंट अभी बाकी है, पैनल देना बाकी है। अगर वो सारा प्रोसेस होता है तो कुछ मेडिकल वाला इशू भी आएगा तो ये 10% पार ही करेगा। मैंने बोला था 10% तो हर आरसी में आएगा ही, एक हुबली अपवाद है जो अभी तक नहीं आ पाया। उसका लोगों को अभी जो मेन डीवी में थे, जो ओरिजिनल थे, उन्हीं को डाइवर्सन में लगा हुआ है। उसके छोड़ के सभी आरआरसी लगभग लगभग 10% कवर कर चुके हैं। यहाँ भी कर चुके थे, 300 पोस्ट करीब करीब लिए थे, अभी और लेंगे क्योंकि 300 प्लस 350 का 55-56 कैंडिडेट प्लस में अभी फिर से ले लिया है, वो 10% प्लस में ही है अब्सेंट और उम्मीदवार कैंसिल के रूप में। वेबसाइट पे ये सारा डिटेल आता है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं आप भी और हम भी देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड में कैंडिडेट कैंसिलेशन का नोटिस आ गया, उसके पहले और भी आया था जिसका बायोमेट्रिक वगैरह हुआ था, किसी को दोबारा मेडिकल के लिए कॉल किया था, किसी का वो इशू था। इस लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेचर कैंसिल के रूप में मिलेगा 52 कैंडिडेट का। अब कहिएगा कि ये दुख भरी खबर है, कैंडिडेट का कैंडिडेशन कैंसिल हो गया, तो मैं कहूँगा नहीं, या तो कैंडिडेट या तो कहीं और ज्वाइन कर लिए हों, या उनको ग्रुप डी नहीं चाहिए, या बहुत सारी ऑप्शन उनके पास होगा, इसलिए इन्होंने डीबी को स्किप कर दिया। और कुछ लोग गलती बाई मिस्टेक या कुछ कारणों से रह गए होंगे, या पोस्ट प्रायोरिटी या ऑलरेडी जॉब में होंगे, बहुत सारी इशू है। तो ये 53 कैंडिडेट हैं जिन्होंने का आरआरसी बोल दिया, आपने सेकंड डीबी के नॉर्मल डे और ब्लॉक डे दोनों में नहीं गए, इसलिए आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है। गुड बाय टाटा, यानी अगली वैकेंसी में अब आप ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी के लेवल 1 नहीं, लेवल 2, 3, 5, 8 बन के आइए, तब आपका सिलेक्शन लेंगे। तो कोई बात नहीं, तो ये 53 लोगों का है, लेकिन टोटल डीबी देखेंगे तो 300 प्लस का आया था 19 तारीख के डेट में, 350 प्लस ही था, 400 भी हो सकता है एग्जैक्ट संख्या, तो उसके 53 है, यानी करीब करीब 10% के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका डीबी 15 तक था कट ऑफ। ऑलरेडी आपने देख रखा है कि बाकी आरआरसी से तूफान की तरह हाई था, यहाँ पे ओबीसी का 72.8 और 75. यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 63 था, ये सेकंड डीबी का था। अब ये सेकंड डीबी के कट ऑफ में कमी आएगी जब थर्ड डीबी आएगी, तो अब देखिए थर्ड डीबी में तो करीब करीब 0. जिनका 1 से लेकर 0.12 तक है, वो बाकी कम्युनिटी में हो सकता है, यूआर में हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, ईडब्ल्यूएस में भी चांस है कि हो जाए। बाकी आरआरसी ने तो ईडब्ल्यूएस नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोलकाता आपका डब्ल्यूआर कई ऐसे जोन है जो सबको ले रहे हैं, तो बढ़िया है, सबका जो मेरिट बन रहा है वो देना चाहिए, ना कि अपने मन से ऊपर से या नीचे से सेलेक्ट करके। मेरिट जो बनती है उस कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। तो थर्ड डीबी जल्दी ही आएगा, कैंडिडेचर कैंसिल के बाद हो सकता है कभी भी आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट डेट बताना थोड़ा आसान नहीं होता क्योंकि ये सब डिले वाले प्रोसेस है। फर्स्ट डीबी का आप डेट एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, लेकिन सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, ये आरआरसी का अप्रूवल पे होता है, जब कंटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर देगा उसी समय आ जाएगा। तो चलिए, गुड न्यूज है कोलकाता से, थैंक यू, धन्यवाद।